अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आज है जी हमारा ऑफिशियली लास्ट डे इन इस्तांबुल तुर्की, क्योंकि कल सुबह सुबह हमारी फ्लाइट है। सो कल का दिन हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। सुबह 7 बजे हमने उठना है और हम लोगों ने डायरेक्ट जो है ना एयरपोर्ट के लिए निकल जाना है। तो कैसा लगा आपको अब तक का मेरा सफ़र, आपका मेरे साथ सफ़र, और इस्तांबुल और तुर्की को जो है एक्सप्लोर करना, सब कुछ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, ये वाला कह रही थी मैं, डिज़र्ट। हाँ, बहुत मज़े का। अच्छा, तो आज हम लोग निकले हैं भाभी, मून भाई, मैं और शहजाद, अपना लास्ट डे जो है इंजॉय करने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे। उसके अलावा मैंने बहुत कहा कि भाई आज जाने से पहले एक बार मुझे क्रूज़ से ज़रूर सैर करनी है एक बार फिर से, कि यहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत, मैंने अपील की और बहुत मज़ा आया मुझे। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे क्रूज़ पे, एंड देन उसके बाद हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पे, और फिर करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। और फाइनली हम लोग जीप पहुंच गए हैं, क्रूज़ में बैठ गए हैं। बस अभी 5 से 10 मिनट में हमारा क्रूज़, बल्कि 5 मिनट में हमारा क्रूज़ चल पड़ेगा, और ये क्रूज़ आएगा सरिया, और ये दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट। सो मैंने कहा था मुझे लास्ट वाला जो है ना फुल लंबे वाला चाहिए, जिससे हम बहुत देर तक जो है ना क्रूज़ में बैठ सकें और इन्जॉय कर सकें। तो इसलिए मुंबई कहते फिर सरिया वाला चलते हैं, वो बहुत लंबा है, वो 1.5 घंटे का है। तो अभी हम यहाँ आए हैं, निकलते हैं और फिर इस्तांबुल का लास्ट टूर इन क्रूज। सीरियसली मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तो देखिए सामने आपको गलाटा टावर नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ से हम उधर से मुड़ गए हैं, वरना मैं आपको दिखाती। टॉप का भी पैलेस भी नज़र आ रहा था, आया सोफिया भी नज़र आ रही थी, और ब्लू मॉस्क भी जो है ना नज़र आ रही थी। यहाँ पर आपको ब्रिजेस नज़र आएंगे, हर चीज़ नज़र आएगी। जिस दिन मैं आई थी ना इस्तांबुल, उसके नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे जो हमने सबसे पहला क्रूज़ किया था, वो हमने मॉर्निंग में किया था, और उसके बाद मतलब लाइक सिर्फ एक रात वाला किया, बाकी सारे मॉर्निंग के किए। और जो मॉर्निंग का मज़ा ना, बल्कि मून भाई कहते हैं जो यहाँ पे गर्मियों का, नेक्स्ट टाइम आना ना तो गर्मियों में आओ ताकि तुम लोग को वो मज़ा आए। पर बहरहाल हमने सर्दियों को भी भरपूर इन्जॉय किया। वो देखिए सामने जो ये छोटा सा मीनार नज़र आ रहा ना, ये है टोपकापी पैलेस, और ये है जी आया सोफिया, ठीक है। और ये जो सामने आपको जहाज़ नज़र आ रहा ना, ये बहरी जहाज़ है जो किसी मुल्क से आया हुआ है, और ये 7 स्टोरी लाइक 7 मंजिला जहाज़ है, और ये यहाँ पर रेस्ट के लिए आया हुआ है, और उसके बाद जो है ना ये अपने जिस मुल्क जाना है इसने अपने डेस्टिनेशन को चला जाएगा। आप लोग परिंदों के मज़े चेक करें, यहाँ पर लोग इस तरह से रोटियाँ जो है ना इनको कैच करवाते हैं, रोटी के टुकड़े, और परिंदों की वही मोजे। अल्लाह ताला ने देखें इनका भी कितना जो है किस तरह से लगाया हुआ घंटे के क्रूजिंग के बाद हम लोग पहुंचे हैं सरिया, और अब यहाँ पर खड़े हैं 2 उम्मीदवार मून भाई और शहजाद ये झूला लेने के लिए। अभी देखा था अब शहजाद उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि खाली कर दो झूला। लो जी, 2 छोटे छोटे बच्चे आए हैं हमारे साथ। और वो भाभी आई है, अभी देखो मून भाई फुल तेज झूला लेने के चक्कर में। हम ही बैठे भाभी दे झूला क्या रे झूला दो। ओए 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 क्या कह रहे हैं
इनको झूले नहीं पसंद। शुदा ने कैसे पकड़ा हुआ है, सच में डर लग रहा है। हम लोग आ गए हैं सफ़ीर मॉल और ये मून भाई और भाभी और शहजाद खड़े हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। आज हम फिर से खाने आ गए हैं पिदम, ये होते हैं पिज्ज़ास। कल उसी ने हमने खाया था, एक हमने खाया था ये वाला, एक हमने खाया था ये वाला, एक हमने खाया था। ओके उन्होंने जी वीडियो बनाने से मना कर दिया, बदतमीज उन्हें। खैर चार खाए थे हमने टोटल, आज देखो अब हम क्या खाते हैं, जो भी खाएंगे हम दिखा देंगे आपको। नहीं हम लोग जो हैं ऊपर वो पिदम खाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो हमने उस दिन काफ़ी सारी चीज़ें ली थी ना, उसमें से वो एक पिज़्ज़ा था वो पूरा उसमें मिस था। तो फिर मून भाई कहते हैं कि हम किसी और मॉलेक ओसलिक पार्क उसका नाम है उस तरफ चल जाते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से जो है एक दो चीज़ें लेनी थी अलारा के लिए, तो मैं वो लेने आ गई हूँ। मैं कभी इधर आए जो है तो फिर दोबारा वापस इधर आना है, तो बेहतर है पहले हम उसके लिए वहाँ से चीज़ें ले लें और फिर जो है ना क्या कहते हैं ओसलिक पार्क चलते हैं खाना खाने। वहाँ पर आके भी हमें वो वाला पिज़्ज़ा नहीं मिला, तो फिर बहरहाल मून भाई जो है हमारा ऑर्डर प्लेस करवा रहे हैं और आज हम ट्राई करेंगे जी कुन्नाफा और साथ हम खाएंगे जी पिदम, जिनको बोलते हैं पिदम। वो है जी मराठ टेबल, जहाँ वो शॉपर नज़र आ रहा है ना उसमें है, हमने जो शॉपिंग की है अलारा की चीज़ें। ठीक है जी, क्या ली है वो मैं आपको पाकिस्तान जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सो फिलहाल के लिए अभी बैठते हैं टेबल पर, घूमी जा रही हूँ और फिर कुछ गप्पे लगाएंगे एंड खाना खाएंगे। ऑर्डर आ गया है पिदम नंबर 1, पिदम नंबर 2 एंड पिदम नंबर 3। अच्छा अभी एक और आना है वो पूरा आलू वाला। चलें जी करें शुरू, बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह। उस दिन उन्होंने हमें लीमू नहीं दिए थे और ये भी नहीं दिया था। अच्छा खुद लिया है ये। आ गया जी हमारा कुनाफा, इस पर उसने क्रीम नहीं डाली, हमने कहा था क्रीम का, कहा था ना नहीं नहीं इसके ऊपर क्रीम रखते हैं जैसे वो रखी हुई है, वो देखें सामने जी। आ गया हमारा क्रीम वाला कुनाफा। कुनाफा क्या बोला आपने? कुनाफा इसलिए हमने ऐसी तैसी करके रख दी है। बहुत अच्छा कुनाफा था यार, मेरे पेट में अब जगह नहीं बची, बस बहुत हो गया, ओवरलोडिंग हो गई। अब हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स की तरफ शेक पीने के लिए। मून भाई कह रहे हैं चला दबीरा तेन शेक पी आइए, मैं कहा चलो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शहजाद मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं आज उसने उसके हाथ जो आना है ना उसने खा ही जाना है। मैंने कहा क्या मतलब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है? कह रहे हैं कहने का मतलब है कि आज तुम्हारा तुर्की में लास्ट डे है, सो तुम प्रॉपरली इसको इंजॉय करना चाह रही हो और जो जो चीज़ें आज तुम ट्राई कर सकते तुम जरूर करो। मैं कहा हाँ ये बात तो है क्योंकि मैं इस्तांबुल को बहुत मिस कर रही हूं। हमारे दोनों शेक ओके हाँ जी, आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को जो है पसंद आया होगा और आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। अगर पसंद आया, ये सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ आपकी फेवरेट जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल का आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इंस्टाग्राम में मुझे लाजमी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ कहीं पर भी डाल दूँगी, जल्दी से जाएँ जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।